जय हिंद दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी की एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ पर्यावरण के बारे में जानकारी और कुछ पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सबसे पहले ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही आधुनिक है। आधुनिक का मतलब इसका जो उद्भव हुआ वो लगभग 1950 के बाद से प्रारंभ होता है। 1950 से पहले इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्लोबल लेवल पर कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है या सेकेंड वर्ल्ड वार के पास से वैज्ञानिकों में कुछ इसके बारे में डिस्कशन प्रारंभ होता है और ये मूर्त रूप 1972 के बाद लेता है, जब 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है 5 जून को, जिसके कारण विश्व एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। आज भी हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। तो 1972 के बाद से ये रेगुलर एग्जिस्टेंस में आया। आगे हम देखेंगे कि 1982 में भी एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस होती है, इसी को आगे 10 वर्ष की वर्षगांठ पर इसको बनाया जाता है, जब 1972 के बाद 1982 में, और उसके बाद फिर 1992 में एक अर्थ समिट होती है, जिसमें विश्व के लगभग सभी देशों ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया और लगभग 120 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों, मतलब कि प्रधानमंत्री अगर किसी देश का प्रतिनिधि था तो प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति अगर किसी देश का प्रतिनिधि होता है तो वो राष्ट्रपति, इसमें पार्टिसिपेशन किए। और आगे ये एक श्रृंखला चल पड़ी। फिर आगे देखते हैं कि 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट होता है और उसमें फिर कुछ गोल्स डिसाइड किए जाते हैं कि कैसे पृथ्वी के टेम्परेचर को जो बढ़ रहा होता है इस सदी के अंत तक, मतलब लगभग 2099 या 3000 तक इसके टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाए कि जो हमारा औद्योगिक क्रांति का स्तर था, औद्योगिक क्रांति से पहले जो टेम्परेचर था उससे 1.5 से ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ पाए। ये मॉडरेट टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर पृथ्वी का इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो पृथ्वी सर्वाइवल के योग्य नहीं बचेगी। वर्तमान परिदृश्य में ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसको समझने के लिए, इसके विभिन्न आयाम। वैसे ये सब्जेक्ट बहुत टफ नहीं है क्योंकि हाल ही में एग्जिस्टेंस में आया, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये हमारे दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे इसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं, वृक्ष लगाकर या फिर कुछ और करके, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करके, जहाँ पर रीयूज की प्रक्रिया हो वहाँ पर हम वस्तुओं का पुनर्उपयोग कर लें, जहाँ पर रिसाइकिल प्रक्रिया हो वहाँ पर हम चीज़ों को रिसाइकिल करवा दें, इस तरह का प्रोसेस एक हो सकता है। लेकिन फिर भी वर्तमान परिदृश्य में कई देश इस व्यवस्था को नकार रहे हैं। हाल ही में कुछ सूचनाएं जो एकत्रित हुए हैं, जैसे पेरिस कॉन्फ्रेंस से अमेरिका के बाहर जाने की बात हो रही है। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में अब विश्व दो ध्रुवी या एक ध्रुवी नहीं है, जैसा कि 1945 के बाद दो ध्रुवी विश्व युद्ध हो गया कि 1945 के बाद हम इसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हम इसके इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। बिना इतिहास को जाने हम इसको समझ नहीं सकते हैं कि कैसे इसका पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो था, उसका कैसे प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा उसके बारे में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तब की सिचुएशन थी कि अमेरिका और USSR, मतलब कि रसिया, ये विघटन के बाद रसिया बनता है, ये दो ध्रुवी विश्व हो जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक शीत युद्ध का प्रारंभ होता है इसके बाद,
शीत युद्ध के प्रारंभ के बाद 1990 तक लगभग विश्व दो ध्रुवी रहा, लेकिन इसके बाद जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब इस सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका सुपर पावर के रूप में उभरा। लेकिन हम वर्तमान समय में जब देखें कि आफ्टर 2015 मतलब 2015 के बाद से अगर हम देखेंगे तो इसमें हम दिखाई देंगे कि एक मेजर रोल कई देश प्ले कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, जैसे चाइना, जर्मनी, जापान और हिंदुस्तान यानी कि हमारा मुल्क भारत। इस सेक्टर अब ग्लोबल सिनेरियो में अब विश्व अमेरिका के बिना, मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट का जो है वो बायकॉट कर रहा है या विरोध कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जो विकसित देशों के पक्ष में नहीं है, इसकी वजह से, और उसके कुछ अपने आंतरिक मसले भी हैं उसकी वजह से इसका वो कर रहा है, अपोज कर रहा है। लेकिन अब विश्व में जिस तरीके से अब बाईपोलर या मतलब मल्टीपोलर सिचुएशन बन रही, बहुपक्षीय विश्व बनता जा रहा है, अब सेंट्रलाइज पावर नहीं हो सकती, तो पर्यावरण के क्षेत्र में कोई भी देश, मतलब कि बड़ी इकोनॉमी वाले देश आगे आके अपना योगदान अदा कर सकते हैं और मनुष्य यानी कि मानव सभ्यता को नष्ट होने से कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। क्योंकि अब कुछ समय का मतलब ये है कि मानव सभ्यता कई बार अस्तित्व में आई और कई बार विनाश की ओर गई, यानी कि इसका मतलब ये है कि कई बार हमारे यहाँ पर आई से जाई है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं, आई से जाई हैं, जब पृथ्वी के सबसे बड़े जीव डायनासोर्स विलुप्त हो गए हैं तो मानव का अस्तित्व क्या है। लेकिन जब ये विलुप्त की ओर जाते हैं तो ये जो विलुप्ति का रीजन बन रहा है टेम्परेचर में कारण बन रहा है कि मनुष्य का विलुप्तिकरण की ओर आगे बढ़ने के रीजन क्या है। तो टेम्परेचर में इंक्रीज, इसके हम कुछ एस्पेक्ट समझ लेते हैं, फिर इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। देखिए टेम्परेचर बढ़ने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो हमारा क्रायोस्फीयर है, देखिए क्रायोस्फीयर एक नया शब्द है, पिछले कुछ सालों में ये चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा और एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी इससे पूछा गया है। तो ये क्रायोस्फीयर का मतलब होता है बर्फ से संबंधित, मतलब आइस। अब आइस का मतलब क्या है, देखिए टेम्परेचर बढ़ने से आइस जो होती है वो मेल्ट होती है, मतलब पिघलती है। आइस के मेल्ट होने से जो हमारे रीजन्स हैं, कई और रीजन्स हैं, मतलब कि जो ओशियनिक बेल्ट है यानी कि कोस्टल बेल्ट है, जो तटीय इलाके हैं वो हमारे डूब जाएंगे। तटीय इलाके डूबने का मतलब है कि हमारे जो क्लाइमेट का पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जब देखेंगे कि हम जैसे ओशियंस का लेवल बढ़ रहा होता है लगातार, वो अपने क्षेत्र में वृद्धि हो रही होती, तो उसका जो इवेपोरेशन और उसके बाद जो क्लाउड का सिस्टम है बनने का, वो भी पैटर्न चेंज होगा। और जब ये पैटर्न चेंज होंगे तो एक प्रकार से सूर्य की रोशनी से संबंधित होगा और ये मनुष्य की एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट होगा। तो एक समरी टाइप में किस तरीके से पर्यावरण को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए समय समय पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैं, कई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कई अलग अलग इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट अनाउंस करती हैं, अलग अलग प्रोग्राम गवर्नमेंट जो हैं वो अनाउंस करती हैं, और कैसे आगे कार्यक्षेत्र विभाजित होता है, किस तरीके से आगे रणनीति बनती है काम करने की, वो भी विभाजित होता है। तो आगे सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। इसका पूरा टॉपिक लगभग 40 घंटे का होता है, 35 से 40 घंटे का। हम लोग बारी बारी से इसके पूरे टॉपिक्स को, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में विभाजित करने का मतलब है कि परंपरागत और गैर परंपरागत, परंपरागत और गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब समझ लीजिएगा जो आधुनिक है, जो नया है,
वर्तमान समय में ये इम्पॉर्टेंट फील्ड ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको समझना इम्पॉर्टेंट है, इसकी टर्मोलॉजी ये थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड ज़्यादा है। तो इसका सिलेबस जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं, इसमें बायोडाइवर्सिटी आती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, और दूसरा इसका टॉपिक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब इकोसिस्टम है। और जो तीसरा है वो हमारा पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण। ये हमारा पॉल्यूशन, हाँ ये हमारा परंपरागत क्षेत्र है। देखिए जैव विविधता, थोड़ा सा टर्म डिफाइन कर देते हैं फिर आगे गैर परंपरागत क्षेत्र में चलते हैं। देखिए जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विभिन्न प्राणियों की या विभिन्न प्रजातियों की संख्या जैव विविधता है। मतलब एक ही क्षेत्र में, एक मान लीजिए कि जैसे हम ओशियन को ले लेते हैं, मतलब महासागर को ले लेते हैं, तो ये एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, बड़ा, इसमें बड़ी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब इसमें कई सारी मछलियाँ, कई सारे टर्टल्स, मतलब कि कई सारे कछुए, कई सारे और जीव, स्नैक्स होते हैं, दुनिया भर के जो जीव्स हैं इसमें पाए जाते हैं। या एक छोटे से, अगर हम बात छोटे से क्षेत्र की बात करें, जहाँ पर एक एक आदिम समाज ले लीजिए, आदिम समाज में स्त्री पुरुष, कुत्ते बिल्ली और कुछ जानवर विभिन्न प्रजातियों के, तो वो जैव विविधता जहाँ पर विभिन्न प्रजातियों की संख्या, मतलब विभिन्न जो प्रजातियाँ होती हैं किसी क्षेत्र में जो पाई जाती हैं, उन्हें जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पारिस्थितिकी पर समझते हैं ये क्या होता है। पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोलॉजी। देखिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं आगे, ये इकोलॉजी, इकोलॉजी, इको का मतलब होता है सराउंडिंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सराउंडिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, चारों ओर, और स्टडी का मतलब अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों ओर जो पाया जाता है, चारों ओर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका अध्ययन इकोलॉजी होता है। और इकोलॉजी जो है वो एक सब्जेक्ट के तरीके से वर्क करता है, और जो हमारा ये इकोसिस्टम होता है वो जहाँ पर इकोलॉजी परफॉर्म करती है, मतलब जहाँ पर ये काम करती है, वो मतलब पारिस्थितिकी तंत्र ये अध्ययन क्षेत्र है, या इस ये इकोलॉजी की विषय वस्तु है, ये यहाँ पर परफॉर्म्ड होती है, ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर पारिस्थितिकी परफॉर्म करती है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। अब हम आगे, इसके बाद तीसरा जो हमारा कंपोनेंट था, जो हमारा परंपरागत में था, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से सब लोग परिचित होंगे, प्रदूषण। प्रदूषण विभिन्न प्रकार से, एक परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं विभिन्न रासायनिक, जैविक, अजैविक जो कारक होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं या पर्यावरण में असंतुलन क्रिएट करते हैं, उसे प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण में हम लोग बहुत सारे प्रदूषण देखेंगे किस तरीके से, जैसे एयर पॉल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन कह सकते हैं, रासायनिक पॉल्यूशन कह सकते हैं इसको। इसी तरीके से हम आगे कहेंगे इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा जो हमारा ई वेस्ट से संबंधित है,
यहाँ पर हम आगे इसको लिख देते हैं, ई वेस्ट जो होता है, सॉइल पोल्यूशन, एक्सेट्रा, मतलब मध्य प्रदूषण, इस तरीके की चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा सा अभी इसके बारे में, सर्विस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब आगे पोल्यूशन का आएगा तो इसमें हम बाकायदा 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेंगे आगे। तो ये हमारा पोल्यूशन का एक मोटा मोटा अभी हम दायरा दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट का। अब गैर परंपरागत आ जाता है, जो महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है पर्यावरण पारिस्थितिकी का। वर्तमान समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, और इसका जो सबसे पहले सिलेबस है वो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस सबसे पहले जो है इसका गैर परंपरागत का, इसमें ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन, मेजर क्वेश्चन O3 डिनोट्स ओजोन क्षरण से संबंधित है ये, इसके बारे में किस तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है और किस तरीके से हम रेफ्रिजरेशन में CFC का यूज जो है उसको कम करके रिप्लेस कर देते हैं। वर्तमान समय में HFC को भी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी रिप्लेस करने पर सहमति बनी हुई है कई देशों में, आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम जो है विभिन्न इन्वायरमेंट जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, मतलब पर्यावरणीय सम्मेलन जो हैं, अब पर्यावरणीय सम्मेलन में अभी हम लोग देखेंगे इसमें जैसे किस तरीके से अर्थ सम्मिट होती है, मतलब पृथ्वी सम्मेलन जो होता है, जो 1992 में, जिसको हम रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, उसके बाद किस तरीके से हम इसमें क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्री, ये सब पढ़ेंगे, और इसके आगे फिर इसकी जो CBD पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNCCD पर भी पढ़ेंगे, ये डिजर्टिफिकेशन के ऊपर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे UNFCCC, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। इन सब चीज़ों के बारे में किस तरीके से डिस्कस करेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट कॉप्स हुए हैं जब इनकी सम्मिट्स होते हैं कंट्री के लेवल के, इंटरनेशनली होती है, तो उनको कॉप बोलते हैं। हर चीज़ में कॉप होता है, वैसे कॉप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन किसी जब किसी कॉप में बहुत अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं जो विश्व को प्रभावित करते हैं, तब ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, और इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जो पर्यावरणीय संगठन है, किस तरीके से यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, किस तरीके से हमारी और फैसिलिटी हैं, किस तरीके से इनका फंड होता है, कैसे जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, किस तरीके से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, और फिर इसके बाद हम SDG पर काम करेंगे, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जो 2030 तक है अचीव करने हैं। ये एक मोटा मोटा सिलेबस रहा इसके बारे में डिस्कशन का। आइए अब हम लोग वापस लौटते हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ की थिंग्स के बारे में जानेंगे, ताकि सिलेबस ठीक से आगे से डिस्कशन जब हम करें इसके बारे में तो बार बार उन चीज़ों को ज़रूरत ना पड़े। चलिए, इकोलॉजी के बारे में मैंने बताया, इकोलॉजी स्टडी ऑफ सराउंडिंग, चारों ओर का जो हमारा अध्ययन हो उसको हम इकोलॉजी करते हैं। और इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई भी जो इकोलॉजी होती है वो परफॉर्म की जाती है, मतलब एक अध्ययन क्षेत्र, एक विषय वस्तु का क्षेत्र। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब हम इसमें देखेंगे किस तरीके से डेवलपमेंट इसका किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे 5 जून 1972 को, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 5 जून 1972 को होता क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये डेट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दिन हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट, मतलब डे, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन होता क्या है, इसमें 1972 को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है,
ये ग्लोबल लेवल की पहली कॉन्फ्रेंस थी, पहला सम्मेलन था जिसमें लगभग लगभग 100 देश पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 100 का मतलब है इसमें ये एक मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी। भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री और स्टॉक होम जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था वहीं के प्रेसिडेंट इस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली भाग लेते हैं। बाकी विभिन्न देशों ने अपने अपने प्रतिनिधियों को इसमें भेजा, मतलब मंत्रियों को भेजा या सचिव स्तर के जो लोग थे उनको भेजा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो हमारी उस समय की प्रेसिडेंट थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस क्षेत्र में काम करना थोड़ा सा शुरू किया। उन्होंने जब काम किया तो उन्होंने, उनका जो भाषण हुआ था वो सबसे पहले पॉवर्टी एलिमिनेशन पर, मतलब गरीबी निवारण के ऊपर इनका भाषण हुआ था। एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण कि पर्यावरण को संरक्षित करने के क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉवर्टी एलिमिनेशन, और इस पर काम करने के लिए विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। ये हमारी चीज़ें थी। यहाँ पर ये 1972 की बात हुई। फिर 1982 में फिर से एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस होती है जिसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि इस पर कोई डिसीजन खास बना नहीं। लेकिन 1992 मेजर एनवायरनमेंट के क्षेत्र में एक यादगार डेट। फिर उसके बाद 2002 और उसके बाद 2012 और उसके बाद 2015, ये डेट, ये 4-5 डेटें हैं जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करती हैं, जिसमें एक ग्लोबल सिनेरियो इस विषय को मिला और जो विश्व समुदाय, वैज्ञानिक समुदाय था इस पर काम करना प्रारंभ करता है। चलिए आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ बेसिक डिस्कशन, फादर इसके कौन थे इकोलॉजी के। इकोलॉजी जो वर्ड था सबसे पहले वो हम्बोल्ट साहब ने दिया था। फादर ऑफ इकोलॉजी हम्बोल्ट। ये ग्लोबल लेवल के फादर थे इसके, और इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट रामदेव आके मिश्रा जी हैं, मतलब कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। रामदेव मिश्रा, ये दो फैक्ट थे कि विश्व समुदाय में जो इकोलॉजी के पिता कहे जाते हैं वो हम्बोल्ट साहब कहे जाते हैं, और जो इंडियन कॉन्स्टेक्ट में, भारतीय परिदृश्य में जो पारिस्थितिकी के पिता हैं वो रामदेव मिश्रा जी कहे जाते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं इसके, जो कुछ वर्ड्स जो हैं जैसे इसके जो वर्ड्स हैं, जैसे बहुत आप सब लोगों ने बहुत वर्ड सुना होगा एक की स्टोन स्पीसीज, कुंजी प्रजाति, प्रजाति। देखिए कुंजी प्रजाति क्या होती है, ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अदा करने वाली होती है। अगर ये नष्ट हो जाती है, मतलब किसी पारिस्थितिकी तंत्र की जो कुंजी प्रजाति है अगर वो विलुप्त हो जाती है या अगर वो नष्ट हो गई, तो धीरे धीरे हम देखेंगे पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण होती और इनकी संख्या बहुत ही कम होती, मतलब कुंजी प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जिनकी
एक पारिस्थितिकी तंत्र में, संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, लेकिन इनका योगदान सर्वाधिक होता है। एग्जाम्पल बाघ, उदाहरण बाघ, सपोज करिए एक एग्जाम्पल, और इसका हम एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। मान लीजिए ये बाघ है जो हमारा, कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें घास है, घास को खाने वाले खरगोश या फिर हिरन, अगर ये नहीं होंगे और इसको खाने के लिए बाघ, एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र रहते हैं जिसमें ये तीन जानवर हैं या तीन कंपोनेंट हैं, घास, अगर ये बाघ विलुप्त हो जाए, इनकी संख्या आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कितनी होती है, अगर ये विलुप्त हो जाते हैं, अगर एक पारिस्थितिकी तंत्र से बाघ विलुप्त हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र से ये जो घास होगी इनका कंजम्पशन इतना बढ़ जाएगा, ये हिरन इतना इसको खा लेगा, इतना खा जाएगा कि घास विलुप्त हो जाएगी, और जब घास विलुप्त हो जाएगी तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप से विलुप्त हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें कि दूसरा एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं, संकीर्ण पत्ती वाले जो वन होते हैं, संकीर्ण पत्ती वाला जो वनों का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, देखिए संकीर्ण पत्ती वाले जो वृक्ष होते हैं उसमें आग बहुत तेजी से लग जाती है। आग लगने का रीजन क्या होता है, मान लीजिए कि ये संकीर्ण पत्ती वाला वृक्ष है, जो ये पौधे होते हैं ये एक रेनिन नामक पदार्थ, रेजिन श्रवण करते हैं, मतलब इनसे रेजिन पदार्थ जो होता है वो निकलता है। रेजिन पदार्थ एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। रेजिन पदार्थ बहुत ही ज्वलनशील होता है, जिसके कारण इसमें बहुत तेजी से आग लग जाती है। लेकिन यह संकीर्ण पत्ती वाला जो वन है, इन वृक्षों के बीच में जब इनका एक क्लस्टर होगा, इनके बीच में एक चौड़ी पत्ती वाला दो चार वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी संख्या पूरे के पूरे वन समुदाय में 1500 से ज़्यादा नहीं होती, चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष होते हैं इनकी संख्या, लेकिन ये पूरी की पूरी आग को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल था कि संकीर्ण पत्ती वाला जो वन था ये। दूसरा टर्म हम समझने का प्रयास करते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्रजाति। ये प्रजाति क्या होता है, प्रजाति स्पीसीज, स्पीसीज टर्म से देखिए एकदम सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे दो जीव जो लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं, मतलब जिनकी प्रजनन कैपेसिटी होती है, जिनके पास प्रजनन जनन क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं प्रजाति। लेकिन इसमें एक टर्म और, मतलब इसमें दो जीव होंगे कम से कम, उसके बाद इन दो जीव होने के साथ साथ इनमें प्रजनन की क्षमता होगी, प्रजनन की क्षमता होने के साथ साथ इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी जनन क्षम होगी। ये हमारी प्रजाति हो गई, मतलब जैसे कुत्ता जनन क्षम है तो कुत्ते
का जो समुदाय होगा एक प्रकार से प्रजाति होगी, बिल्ली मनुष्य इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसी में बात करें, दो टर्म्स ले लेते हैं प्रजाति में ही, एक हमारा खच्चर होता है जो बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही मेहनती, एक होती है हिरनी। खच्चर और हिरनी ये जनन क्षम में नहीं होते हैं। ये जनन क्षम में नहीं होने के कारण जब इनका क्रॉस, मतलब कि जब गधे और घोड़े का क्रॉस कराया जाता है तो खच्चर हिरनी, इसमें मेल और फीमेल पर डिपेंड करता है कि जब मेल लिया जाएगा और जब फीमेल और मेल लिया जाएगा, तो ये खच्चर बनेगा या हिरनी। ये जनन क्षम में नहीं होते हैं, मतलब इनकी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, गधा और घोड़े की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो जनन क्षम में नहीं होने के कारण ये प्रजाति में काउंट नहीं होते हैं। ये दो टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए इनके बारे में डिस्कशन किया गया। आगे जब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स की, कुछ प्रजातियाँ होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें एंडेमिक बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। मतलब किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली, या जिसका मूल उत्पत्ति का जो स्थान होता है वो कोई एक जगह होती है। जैसे हम बात करेंगे कोई प्रजाति जो जहां पर उत्पन्न होती है वहां की वह वहां की एंडेमिक प्रजाति कहलाती है। एग्जांपल, मक्का जो है वो अमेरिका का एंडेमिक है, चावल जो है वो इंडिया का एंडेमिक है। ये पता कैसे चलता है कि कोई जो प्रजाति है वो कैसे, इसकी वो जो मूल स्थान है, जो उत्पत्ति है वो वहाँ पर। देखिए, इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है, इसकी जो सबसे ज़्यादा संख्या होगी, इसकी जो विविधता होगी, जैसे मक्के की जो वैरायटीज़ होंगी वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाई जाएंगी। जैसे चावल का जो उत्पत्ति का स्थान है हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 50,000 से ज़्यादा चावल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इससे ज़्यादा प्रजातियाँ कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। तो अब आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं इस क्लास को, कल से हम आगे डिस्कशन करेंगे इसके आगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।